हाय दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो कि 6th क्लास का हिस्ट्री और उसका फर्स्ट चैप्टर व्हाट वेयर एंड हाउ एंड व्हेन द चैप्टर्स नेम। ओके, और इसमें क्या क्या बताया गया मैं पूरा डिटेल बताने जा रही हूँ और शॉर्ट टाइम के अंदर। तो वेयर डिड पीपल लिव, पीपल कहाँ पर रहते थे? फर्स्ट तो नर्मदा रिवर में रहते थे, नर्मदा रिवर के पास, वो जो कि 100 साल पहले रहते थे। और उसके बाद वो लोग मतलब रहते थे और जो वो लोग गैदर करते थे फ्रूट रूट्स एंड जो अदर्स फॉरेस्ट प्रोडक्ट है वो सब गैदर करते और मतलब वाइल्ड एनिमल को हंटिंग करते थे। ओके, और जो बाद में एग्रीकल्चर डेवलप हुआ वो सुलेमान कारतार, गारो हिल एंड बिदस एंड सुलेमान कारतार वो नॉर्थ वेस्ट में है और गारो हिल जो नॉर्थ ईस्ट में है और बिदस जो कि सेंट्रल इंडिया में है। फिर उसके बाद जो वेट और बैरली फर्स्ट क्रॉप्स ग्रोन किया गया था जो कि 8000 साल पहले का बात है। और वो वेट एंड बैरली कहाँ पर ग्रो किया गया था? सुलेमान कारतार। ओके, डोमेस्टिक जो एनिमल है वो फर्स्ट डोमेस्टिक एनिमल था शीप, कैट एंड कैटल। ओके, और बाद में वो लोग विलेज में रहने लगे, मतलब विलेज बना चुके थे एक साथ, सब मिलकर रहने से वो विलेज हो जाता है, तो वो विलेज में रहने लगे। और उसके बाद जो राइस ग्रोन हुआ कहाँ पर? ना बिदस का नॉर्थ में हो गया, राइस ग्रो हुआ था। ओके, और 4700 साल पहले क्या होता ना, जो यर्ले सिटीज था वो धीरे धीरे इंडस बैंक के मतलब जो इंडस रिवर है उसके बैंक में रहने लगे। और जो हम सोन किसको कहते हैं ना, गंगा, और गंगा का जो ट्रिब्यूटरी है उसको हम सोन कहते थे। ओके, अभी भी कहते हैं सोन। और जो गंगा है, गंगा का जो साउथ पार्ट है उसको हम मागधा कहते हैं। ओके, उसके बाद वाला पॉइंट एंड देन नेम ऑफ द लैंड इसका मतलब क्या है? जैसे कि हमारा कंट्री का नाम भारत भी कोई बोलते हैं, इंडिया भी बोलते हैं, तो कौन सा ठीक है? दोनों ही ठीक है। और दोनों कैसे हो, उसका नाम वो कैसे आ गया, उसका नाम कैसे हुआ, हमारा कंट्री का नाम दोनों कैसे हुआ, चलो देखते हैं। तो इंडिया कैसे हुआ ना, इंडस जो रिवर है उसका कारण इंडिया था, मतलब हमारा कंट्री का नाम इंडिया हुआ इंडस रिवर के लिए, और इसका मेन कारण है। और एक पॉइंट क्या है दोस्तों ना, सिंधु जो इंडस है उसको सिंधु संस्कृत में कहा जाता है। और जो ईरान के लोग थे और ग्रीक के जो लोग थे मतलब पीपल्स, वो लोग का नॉर्थ वेस्ट जो जगह है उस जगह से आए थे। और वो 2500 साल पहले आए थे और बाद में वो लोग इंडस रिवर से फैमिलियर हो गया और इंडस रिवर को वो लोगों ने हिंदोस कहने लगे और इंडोस कहने लगे। एंड आप उसके बाद वो जो ईस्ट का जो लैंड था, मतलब हमारा इंडस रिवर के ईस्ट में जो लैंड था वो लैंड इंडिया, मतलब हमारा कंट्री है, उसका नाम इंडिया दिया गया। ओके, और भारत जो था वो जो ग्रुप ऑफ पीपल जो लिव करते थे नॉर्थ वेस्ट में, हमारे कंट्री का जो नॉर्थ वेस्ट है उस जो लोग मतलब रहते थे वो ग्रुप ऑफ लोगों ने क्या क्या ना भारत दे दिया हमारे देश का नाम। ओके, और हम पास्ट के बारे में कैसे फाउंड कर सकते हैं? जैसे कि बहुत साल पहले लिखा गया बुक्स जिसको हम मैनुस्क्रिप्ट बोलते हैं और वो हैंड रिटन है। ओके, और क्या है, और जो मतलब हार्ड सरफेस में लिखा जाता है उसका हम इनस्क्रिप्शन बोलते हैं। जैसे कि जो लोग पहले वाले लोग कैब में रहते थे, कैब के अंदर, और वो कैब के जो वॉल थे वॉल के ऊपर पेंटिंग करते थे, लिखते थे, और जो वो हार्ड सरफेस है इसलिए हम उसको मैनुस्क्रिप्ट बोलते हैं। ओके, और जो ये सब क्यों लिखते थे वो लोग हार्ड सरफेस में और जो मैनुस्क्रिप्ट इस सब में क्यों लिखते थे? क्योंकि जैसे कि एक रीज़न तो होता है कि जो किंग था वो
मतलब रिकॉर्ड करके रखते थे कि कितने बार वो विक्ट्री पा चुका है बैटल में, और जो पास्ट मेड थिंग्स, और जो मतलब जो पास्ट का जो थिंग्स स्टडी करता है उसका हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। जैसे कि मतलब पास्ट का कुछ जानना चाहता है, जैसे वो लोग ऐसे स्टडी करते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट क्या स्टडी करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो एंशेंट जो पीपल थे वो लोग मतलब कैसे रहते थे, उनका उनका रहने का शैली कैसा था, वो लोग क्या खाते थे, और ये सब वो स्टडी करते थे, और वो घर कैसे बनाते थे। ओके, और आर्कियोलॉजिस्ट और भी कुछ स्टडी करते हैं, जैसे कि कुछ बोन के बारे में, जैसे एनिमल का, बर्ड का और फिशेस का। ओके, और जैसे कि क्लोथ का भी स्टडी आर्कियोलॉजिस्ट ने किया था, और जो क्लोथ का स्टडी किया गया था वो नाउ डेज में मतलब आज के दिन में बहुत इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है उसको। ओके, और जो जो हिस्टोरियंस है वो थोड़ा जो स्कॉलर्स होता है मतलब स्टडी करना चाहते हैं पास्ट के बारे में, तो वो कैसे करें, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मतलब कहाँ से लेगा, जैसे कि मैनुस्क्रिप्ट से ले सकता है, इंस्क्रिप्शन से ले सकता है, और आर्कियोलॉजिस्ट से पूछ सकता है। ओके दोस्तों, आज के लिए बाय बाय। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, और कल हम इसका मतलब हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे।